अपर मुख्यमंत्री की सोच है शर्मनाक सोच देखिए, बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। बताएं प्रशासन के लोग कि ठंड लगने से आंख की रोशनी जाती है भाई, और कितने लोगों को ऐसी ठंड लग रही है। घर वालों को आकर यहाँ पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, कि दबाव दिया जाता है कि नहीं तुम लोग ये बोलो वो बोलो ऐसा बोलो वैसा बोलो। लालू प्रसाद यादव के घर में चिराग पासवान पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही वहां लोगों का जमावड़ा लग जाता है। आपको बता दें कि जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और इस मौत को लेकर चिराग पासवान पहुंचे हैं आज छपरा। छपरा पहुंचते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है और कहा है कि सरकार आपस में लड़ रही है और लोग शराब से मर रहे हैं, बिहार में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप वीडियो देखिए, इस प्रकार से चिराग पासवान ने सरकार पर हमला बोला। किसके सहारे जिएंगे बताए ना मुख्यमंत्री, आपने कानून बना दिया, सही बात है, बहुत अच्छी बात है भैया, हम लोग ने भी आपके इस कानून का हम लोगों ने समर्थन किया था, पर कानून बनाने के बाद उसको धरातल पर उतारने की तो जिम्मेदारी आपकी है सर। आज जो ये परिवार सर, कहीं ना कहीं प्रशासन लीपापोती कर रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से लीपापोती कर रहा है सर जी। हर जगह ना वहाँ पे कहीं पे पोस्टमार्टम कराया जाता है, और अगर पोस्टमार्टम कहीं गलती से कहीं हो जाता है तो उसमें रिपोर्ट को बदल दिया जाता है सर जी। ये घर परिवार के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनसे भी पूछे किस तरीके से ये लोग बताते हैं कि भैया ठंड लगने से मृत्यु हो गई, ठंड लगने से मृत्यु हो गई, कितना लोग ठंड लगने से मरेगा, ठंड लगने से नहीं। आप लोग पोस्टमार्टम आप लोग कराएंगे नहीं, प्रशासन घटना घटती बाद में है, जिस तरीके से बयानबाजी देने लगता है प्रशासन पहले से ही भ्रमित करने का प्रयास करता है। घर वालों को आकर यहाँ पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, कि दबाव दिया जाता है कि नहीं तुम लोग ये बोलो वो बोलो ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो कब तक ये लीपापोती होती रहेगी भैया। सर जी, जिस दिन घटना को हम लोग उजागर किए थे उस दिन प्रशासन ने बैठक करके ये सब लोगों कहा कि ठंड से मर रहे हैं, जबकि उसके फिर हम लोग छापे अखबार में तो दूसरे दिन मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। ठंड लगने से आंख की रोशनी जाती है क्या, बताएं प्रशासन के लोग कि ठंड लगने से आंख की रोशनी जाती है भाई, और कितने लोगों को ऐसी ठंड लग रही है कि हर जिले में ऐसी ठंड से लोग मरे जा रहे हैं, और जो गर्मी में जिस तरीके से मौतें हुई वो क्या है बताएं मुख्यमंत्री। तो ये लोग सिर्फ लीपापोती करने का, ये लोग प्रशासन की तरफ से ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अब बिहार चलने वाला नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगे, ताकि कम से कम भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटे, और जिन परिवारों के साथ ये घटना घटी है उसको कम से कम तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार मुख्यमंत्री उचित मुआवजा दें, और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दे। भैया कहाँ जाएगा, घर का हालत देखिए आप लोग क्या है, ना रहने के लिए कोई कमरा है ना बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, तो कहाँ जाएंगे घर के लोग। और पर मुख्यमंत्री की सोच है शर्मनाक सोच देखिए, बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।